नमस्कार आदाब, मैं आमिर। 2 अक्टूबर को कटिहार के 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जिसके उपलक्ष्य में जिला प्रशासन के द्वारा आज राजेंद्र स्टेडियम में 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के तमाम योजनाओं को लेकर जो लोग जो है स्टॉल भी बनाए, स्टॉल लगाए गए हैं, जिसका आज विधिवत फीता काट कर उद्घाटन DM, SP, MLC, सांसद, महापौर, मेयर, तमाम लोगों के मौजूदगी में फीता काट कर किया गया और तमाम स्टॉलों का निरीक्षण भी किया गया है। इस निरीक्षण करने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं DM, SP, महापौर, उप महापौर, तमाम लोगों से जानेंगे। उससे पहले इस तस्वीर को हम दिखा दें आपको कि एक सेल्फी पॉइंट ही बनाया गया जहां तमाम लोग आ रहे हैं। यह कटिहार के 50 वर्ष पूरे होने के बाद जो यह लोगों को कब अनावरण किया गया था, इसलिए यहाँ सेल्फी पॉइंट बनाया गया। तमाम लोग आ रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं और आपको बता दें कि मुशायरा कार्यक्रम का भी आगाज होने जा रहा है। बस कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ मुशायरा कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। इस तस्वीर को देख लीजिए, यहीं भी मुशायरा का कार्यक्रम होना है और आपको बता दें कि बॉलीवुड के सिंगर वह भी कटिहार आ रहे हैं, कटिहार की धरती पर आएंगे। वो भी परसों जो है अपना संगीत प्रेजेंट करेंगे कटिहार के वासियों के बीच। आइए सीधे मुशायरा की तस्वीर दिखाएंगे और जो स्टॉल का निरीक्षण किए हैं तमाम जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के लोगों, तभी सभी का जानकारी देंगे, क्या कुछ कहेंगे। आइए सीधे बात करते हैं। विभिन्न तरह के स्टॉलों का निरीक्षण किया, जहाँ से मैसेज है लोगों के लिए। 3 दिवसीय स्थापना दिवस है और की बात है कटिहार का 50 वर्ष स्थापना दिवस पूरा करना है, क्या मैसेज होगा लोगों के लिए? देखिए, आज यहाँ पर लगभग 30 स्टॉल लगाए गए हैं जो कि विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए हैं और इसमें न केवल योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है बल्कि उस योजना से आच्छादित जो लाभुक हैं उनके द्वारा यहाँ पर अपने विभिन्न आइटम्स का डिस्प्ले किया जा रहा है, जो कि लोग आएँ उसके उनको योजनाओं की भी जानकारी मिलेगी और साथ साथ इन उद्योगों को, इन छोटे उद्यमियों को भी उससे बढ़ावा मिलेगा। लोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं जो कि खरीद सकते हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, उनके भी कई सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, बच्चों के लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आइटम्स हैं और साथ साथ में कल्चरल प्रोग्राम भी इसी राजेंद्र स्टेडियम में कराया जा रहा है। कल्चरल प्रोग्राम भी आज मुशायरा का कार्यक्रम है, कल का बाली होगा नियाज़ी ब्रदर्स ग्रुप के और परसों अंकित तिवारी जो बॉलीवुड के सिंगर हैं उनके द्वारा परफॉर्मेंस होगा। जीविका की दीदियां कटिहार में कितना आगे बढ़ रही है सर, किस तरह से? आज आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 5-6 स्टॉल्स जीविका के लगाए गए हैं, जिसमें एक दीदी की रसोई जो हमारे सदर अस्पताल में चलती है उसके द्वारा खाने के विभिन्न आइटम्स हैं, उसके अलावा पापड़, मशरूम और भी कई सारे कुटीर उद्योग जो जीविका के द्वारा किए जाते हैं उनका भी यहाँ पर आज प्रदर्शनी लगाई गई है। स्थापना दिवस है, क्या मैसेज होगा लोगों? 50वां स्थापना दिवस है, पूरे जिले वासियों को, कटिहार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जरूर यहाँ पर राजेंद्र स्टेडियम में आएँ और यहाँ पर जो भी स्टॉल्स लगे हैं आप देखें कटिहार कितना आगे बढ़ा है और गर्व महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 1973 से 2023 तक में बिहार में जो कटिहार जिला का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, लगातार कटिहार में बहुत सी चीज़ों का बदलाव हुआ है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं और उन योजनाओं का स्टॉल भी यहाँ लगा है। स्टॉल के माध्यम से परिणित होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अंत्योदय अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के लिए काफ़ी सारी योजनाएं हैं और लोग अगर आते हैं यहाँ पर, कटिहार जिलावासी आते हैं यहाँ देखेंगे स्टॉल को तो उनको काफ़ी सुविधाएं यहाँ मिलने वाली है और कटिहार जिला और आगे बढ़े, यही हम लोग कामना करते हैं। सबसे पहले तो मैं कटिहार जिलावासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ कि 2 अक्टूबर को कटिहार का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज 3 दिन का राजेंद्र स्टेडियम में प्रोग्राम है। इसमें बहुत तरह के स्टॉल हैं और कटिहार में जो फल यहाँ नहीं होते थे, अभी आप लोगों ने देखा होगा स्टॉल पर ड्रैगन फ्रूट, मौसमी वगैरह जो यहाँ पर नहीं उपज होती थी, उस सब का भी यहाँ आजकल कटिहार जिला में उपज हो रहा है, तो एक अच्छी पहल है। लोगों को अलग अलग चीज़ें करनी चाहिए और सीरियन का भी स्टॉल लगा हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सीरियन का इतना बात बोलने की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, उसका भी स्टॉल लगा हुआ। मैं लोगों से यही कहूँगा कि राजेंद्र स्टेडियम में आए, घूमें और जो जो स्टॉल लगे उनका सबका टेस्ट ले, मज़ा। प्रथम तो अपने पूरे कटिहार जिला वासियों को मैं 50वां शतक पूरा करने के लिए कि हमारा कटिहार जिला गोल्डन जुबली मना रहा है, आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। बेहद खुशी की बात है कि हमारा कटिहार सर्वांगीण विकास कर रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा हो या राजनीतिक स्तर हो या फिर किसान हो, हर क्षेत्र में आज कटिहार आगे है। और सबसे पहले तो हमारे यहाँ जैसे जीविका दीदी हैं उनके माध्यम से मखाना की तरह तरह की जो प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आजकल बाहर की पैकेजिंग वाली चीज़ खा के बच्चे के हेल्थ पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो इस तरह से
स्वास्थ्य को लेकर ध्यान में रख के सभी चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है। और आप सभी कटिहारवासियों से निवेदन है कि आप राजेंद्र स्टेडियम आए और अपने उभरते और विकासशील कटिहार को देखें। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कटिहार का जो स्थापना दिवस मना रहा है, सब लोग आए, इसको देखें, हर स्टॉल में घूमें, जो भी कार्यक्रम सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के द्वारा उसको देखें और कटिहार का विकास की यात्रा में सहभागी बने और कटिहार का विकास में अपना सब लोग योगदान दे रहे हैं, इसको और तेज़ी से दें, कटिहार बिहार का विकसित जिला में शुमार हो, इसके लिए सब लोग प्रयास करें।